नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे आज यहां पर मॉनसून की, जहां पर मुंबई हुई पानी पानी, लेकिन अब काफी सारी स्टेट्स में आज और कल बेहतर बारिश होने की उम्मीद है। जून में डेफिशिएंसी के बाद जुलाई में यहां पर मॉनसून अबव नॉर्मल रहने की एक्सपेक्टेशन और अगस्त सितंबर में भी नॉर्मल सी की उम्मीद, इस पर बात करेंगे आगे जाकर। साथ ही बात करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार है। छह हफ्ते के हाईस पर सोना तो चार हफ्ते के हाईस पर चांदी बरकरार है, यहां से कैसे करें स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर हल्दी की, जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। साथ ही साथ बात करेंगे यहां पर प्याज की भी, जहां पर काफी हद तक हमने भावों में लगातार बढ़त आते हुए देखी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवांस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। चिंतन, आप कैसे देखते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में एक तो आप क्या चूज करेंगे और आपकी क्या सेंस है, अब इस साल के खत्म होते होते तक किस तरह के गेन्स या किस तरह के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आएंगे? इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर आप देखो तो जो डेटा आ रहा है यूएस से, जीडीपी भी उनका कंट्रोल में आ गया है, जो वहां पे ग्रो नहीं हो रहा है। जॉब डेटा भी काफी माइल्ड आया है, तो प्रोबेबिलिटी फेडोमीटर के हिसाब से भी 70% हो गई एक रेट कट की। मुझे लगता है एक रेट कट ही आ सकता है इन करंट कैलेंडर ईयर, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। बट अगर आप इंडिया का बाजार देखो तो एक बार के लिए रेंज में फंस जाएगा। 23 तारीख को बजट आने वाला है और ड्यूटी कट की उम्र जाती है, जिससे गोल्ड के प्राइस पे एमसीएक्स पे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि बाय ऑन डिप जरूर रहना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ वी एट एबेंस वुड प्रिफर टू सेल कॉल, यानी 71-72 अपने रिस्क के हिसाब से आप बेच सकते हो, पुट बेच सकते हो, पुट बेच के आप वहां पे खड़े रह सकते हो। करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल सकता है और एज ऑफ नाउ मैं स्टे अवे करने के लिए बोलूंगा इन अ नियर टर्म, विच इज लाइक अराउंड 5-10 दिनों के लिए। बाकी बाय ऑन डिप्स बहुत अच्छा माहौल बनेगा। अगर आप डॉलर टर्म्स में अगर 2300 डॉलर के आजूबाजू की बाई रखते हो तो 2180-2200 का स्टॉप लॉस रख के आपको 2600-2700 डॉलर का लेवल मिल सकता है। चांदी में बहुत तेज हो सकती है, उसमें इंडस्ट्रियल डिमांड वगैरह और फंडामेंटल बहुत ही उनके साथ है, बट समाओ जब आप बड़ा पोजीशन लेना चाहते हो या आप एक साइजेबल पोजीशन से ट्रेड करना चाहते हो तो आई वुड अवॉइड सिल्वर। मुझे हमेशा गोल्ड पे ज्यादा भरोसा आता है क्योंकि वो ज्यादा मार्केट फोर्सेस को प्राइसिंग करता है, तो मेरा पिक हमेशा गोल्ड रहेगा और मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स इज द राइट आइडिया। इन नियर टर्म आप पुट बेच के काम करो 72,000 से लेकर 71,000 एज पर योर रिस्क कैपेटिटी। ऑलराइट, तो खरीदारी में यहां पर बने रहना है। जो करेक्शन थी वो शायद हम यहां पर बाजार में बनता हुआ देख चुके हैं। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी सोने चांदी में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स आपको बताते हुए, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं और काफी सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि लोग सोने चांदी में इसलिए भी स्लो खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि बजट में हम शायद एक रेट कटौती आता हुआ देख सकें। तो ना आपको कितना चांस लगता है? कुणाल कह रहे हैं 60-70% चांस है, यानी हम तो हायर साइड है, 100% श्योरिटी ऑफकोर्स नहीं है। मुझे बहुत लो चांस लग रहा है मनीषा, मुझे नहीं लगता कि ड्यूटी कुछ भी गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी। अगर इनको ये टाइम पे अगर पब्लिक के ओरिएंटेशन में बजट देना है तो उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता सेंटर एज ऑफ नाउ कुछ भी अपना इनकम कम करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, बट मैंने जो आपको बोला उसका मीनिंग है बिकॉज ऑफ रूमर इंडिया मार्केट में अभी ऑलरेडी $20 गोल्ड सस्ता है और डिमांड दिख नहीं रही है। चाइना में भी सिर्फ $11 प्रीमियम है, विच में भी 1 ईयर लो, तो ऐसा हो रहा है कि 2 महीने से चाइना गोल्ड बाय नहीं कर रहा है, इंडिया गोल्ड बाय नहीं कर रहा है या कम बाय कर रहा है अपना इस प्राइस के ऊपर, तो यहां से करेक्शन आ सकता है। दैट इज व्हाट आई मेंट टू से, रूमर की वजह से गोल्ड डिस्काउंट में आ जाता है, जो भी आप देख सकते हो कि $20 डिस्काउंट में गोल्ड इंडिया के अंदर, और ये आपको 23 जुलाई तक ऐसा ही देखने को मिलता रहेगा क्योंकि जो एक डर रहता है, डर की वजह से वो हमेशा डिस्काउंट में रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने वही आपको सजेस्ट किया, मुझे लगता नहीं है ड्यूटी आया, बट बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए क्योंकि और प्रेशर आ सकता। ऑलराइट, तो ये एक ऑफकोर्स बिग आस्क है और कई सालों से अब यहां पर है और अनऑफिशियल गोल्ड हमने इस वजह से यहां पर आता हुआ देखा है। अनइवन प्लेइंग फील्ड भी है क्योंकि काफी सारा सोना यहां पर सीपा टीआरक्यू के अंडर भी आ रहा है, तो क्लियरली यहां पर कुछ एडजस्टमेंट क्या की जाएगी बजट में उसके ऊपर यहां पर इंडस्ट्री की और कंज्यूमर्स की नजर भी है। एनर्जी जब देखते हैं चिंतन, तो आपका क्रूड ऑयल को लेकर अब क्या सेंस है? बिकॉज पिछले हफ्ते तेजी थी, चार हफ्तों से लगातार तेजी है, आज की शुरुआत थोड़ी सी ऑन द वीकर साइड हुई है, क्या आप कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है? कंसोलिडेशन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करा जा सकता है और 80 का लेवल मेरे ख्याल से इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए, और वहां पे एक सपोर्ट जरूर मिलेगा, अगर वो तोड़ता है तो ही मंदी बन पाएगी। बाकी बाय ऑन डिप्स क्रूड पे ही आइडिया है और मुझे लगता है कि $80 नीचे पे बेस, बट ऊपर में आपको $90 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। इसके लिए मेरा व्यू यही रहेगा कि बाय ऑन डिप्स रहना चाहिए।
और सेल बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। तो आप अगर जब आपको 80 और 82 या 78 तक भी मिल जाता है, दीज आर ऑल वंडरफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर। ऑल राइट, तो वो राय ऑफ कोर्स यहाँ पर नॉन एग्रो कमोडिटीज में है। चिंतन, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज पे डिस्कस भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ अब बात यहाँ पर मॉनसून की करेंगे, जहां पर जून में एक डेफिनेट